हेलो दोस्तों, ये जो है जो आप कार्ड देख रहे हो ये पेटीएम के थ्रू पेटीएम वैलेट ट्रांजिशन कार्ड दिया जाता है। अभी ये स्टार्टिंग हुआ है, जो मेट्रो में आपको ये कार्ड देते हैं कि भाई ये मेट्रो से आप ट्रैवल कर सकते हो, तो कर तो सकते हैं। और ये कार्ड से आप सेल परचेज कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको ख़रीदना है तो आप इसमें से पैसे कटवा सकते हो। लेकिन ये जो मैंने जब से कार्ड लिया है, हमें एक प्रॉब्लम की फेस करनी पड़ रही है मेट्रो के अंदर। वो प्रॉब्लम है कि जैसे अगर इसकी वैलेट में मान के चलो कि 20 रुपये और आपने 30 रुपये की ट्रैवल कर ली, तो ये जो कार्ड है आपको गेट को ओपन नहीं करने देगा। ये है इसकी। और दूसरी बात, अगर आप इसमें पैसे भी डालते हो तो वो पैसे को अपडेट करना पड़ेगा, आपको कराना पड़ेगा जो काउंटर से, ये भी इसकी है। तो ये ओवरऑल ही हमारा टाइम को जो है ना, वो टाइम ज़्यादा ही लगा रहा है, टाइम ये हमें कम नहीं कर रही है। गेट खुल नहीं रहा है, गेट भी नहीं खुलता है अगर पैसे इसमें कम हो तो। मेट्रो कार्ड में क्या होता है, अगर आपके पैसे कम है, 10 रुपये से ज़्यादा है और आपने 20 की ट्रैवल कर ली, तो वो पैसे आपके माइनस पे चला जाता है। और जब आप उसमें कार्ड में पैसे डालते हैं तो वो आपका ठीक हो जाता है फिर। लेकिन इस कार्ड में क्या है, आप पैसे भी डालो फिर भी आपका टाइम इसमें एक्सपेंड हो जाएगा, आप वहाँ पर जाओ फिर काउंटर में जाओ, है नहीं। ओवरऑल इस कार्ड का ये है तरीका, यही है इसमें, इसकी डिसएडवांटेज एडवांटेज है। देखो, अगर आप ये कार्ड ले रहे हो तो प्लस 200 रुपये प्लस आपका चार्ज भी लग जाएगा, बाकी कैशबैक में आ जाते हैं 200, बाकी यही है। तो ओवरऑल ये मेट्रो में मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल कार्ड होगा मेट्रो के लिए, क्योंकि और ये ट्रांजेक्शन जब होती है मेट्रो में तो ये गेट भी ओपन लेट करता है, क्योंकि थर्ड पार्टी है ना भाई। जैसे मेट्रो के कार्ड होती है तो वो अपना मेट्रो का जेन्युइन है, लेकिन ये क्या है, ये थर्ड पार्टी है जो हम मेट्रो में यूज कर रहे हैं। ये है इसके डिसएडवांटेज भाई। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बट ये तरीका है, यही है इसका। जो मुझे प्रॉब्लम झेलना पड़ा है ये वो है, मैं बहुत जल्दी इसको हटाने वाला हूँ, फिर से मैं मेट्रो का ही कार्ड यूज़ करूँगा। थैंक यू।